सतपुड़ा की वादियां और यहाँ के घने जंगल। कहते हैं जितना बड़ा यहाँ का क्षेत्रफल है उससे कहीं बड़ा यहाँ का इतिहास भी है। पंडित भवानी प्रसाद मिश्र ने कई सालों पहले एक कविता लिखकर इन जंगलों के रहस्य की ओर इशारा भी किया था। सतपुड़ा के घने जंगल, नींद में डूबे हुए से ऊंघते अनमने जंगल, झाड़ ऊंचे और नीचे चुप खड़े हैं आंख नीचे, घास चुप है कास चुप है, मूक शाल पलाश चुप है, बन सके तो धसो इनमें धस न पाती हवा जिनमें। सतपुड़ा के घने जंगल ऊंघते अनमने जंगल। क्या ही जादू किया होगा सतपुड़ा के जंगलों ने, जो कवि ने इस जंगल को अपनी कविता से हमेशा के लिए अमर कर दिया। मध्य भारत के घने जंगलों में बसी एक ऐसी जगह है जिसका आपने नाम तो जरूर सुना होगा पर उसके बारे में काफी कम ही लोग जानते होंगे। माना जाता है मध्य भारत के सात सबसे ऊंचे शिखर यही होने के कारण इस पर्वतमाला का नाम सतपुड़ा हुआ। एक ऐसी जगह जहां आकर एहसास ही नहीं होता कि हम मध्य भारत के किसी जंगल या पहाड़ों के बीच हैं। तीन राज्यों मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात में फैली इस विशाल पर्वतमाला के हर हिस्से में विविधता और सुंदरता का खजाना आज भी छिपा बैठा है। लगभग 150 साल पहले सन 1862 में कप्तान जेम्स फोरसिथ, जो सतपुड़ा के पहाड़ों में स्वतंत्रता सेनानी तात्या टोपे को ढूंढते हुए आए थे, वहीं वे पहुंचे सतपुड़ा के बीच बसे पचपड़ी गांव में। यूं तो पचपड़ी हमेशा से सतपुड़ा के घने जंगलों में स्थित था, पर यह कहना शायद गलत भी नहीं होगा कि पचपड़ी को दुनिया के सामने लाने का काम कप्तान जेम्स फोरसिथ ने किया। कप्तान जेम्स फोरसिथ को यहां की आबोहवा इतनी रास आई कि उन्होंने ब्रिटिश सरकार को यहां पचमढ़ी में छावनी बनाने का सुझाव दिया। और फिर क्या था, कुछ ही वक्त में यहां अंग्रेज भी बस गए। वैसे तो पचमढ़ी का अपने आप में ही एक बड़ा इतिहास रहा और यहां बने ये ब्रिटिश काल के घर आज भी उस पुराने कॉलोनियल वक्त की याद दिलाते हैं। आज मध्य प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे भारत से न जाने कितने ही लोग पचमढ़ी की वादियों में और यहाँ के इतिहास में खोने आते हैं। सुबह पनार पानी से जंगल की शुरुआत, जहां घूमने का एक अलग ही रोमांच होता है, से पनार पानी में ही बनी यह एक नर्सरी, जो अपने कई किस्म के औषधीय पौधों के साथ साथ यहाँ मिलने वाली तितलियों के लिए भी उतनी ही जानी जाती है। पचमढ़ी हिल स्टेशन के अत्यंत लोकप्रिय होने के पीछे यहाँ की आबोहवा तो है ही, साथ ही साथ पर्यटकों को लुभाने के लिए और भी बहुत सारी जगहें हैं। बी फॉल, सिल्वर फॉल, हांडी खो और रीचगढ़ जैसे न जाने कितने ही ऐसे दृश्य जो आज भी अपनी अविश्वसनीय सुंदरता से लोगों को बरबस ही अपना कायल बना देते हैं। पचमढ़ी का इतिहास महाभारत से भी जुड़ा माना जाता है, जिसका सबूत यहां बनी पांडव गुफा देती है। पर कुछ लोगों का मानना है कि यह गुफाएं बौद्ध भिक्षु ध्यान के लिए भी उपयोग किया करते थे। इन्हीं पहाड़ों में जगह जगह 1500 से 10,000 साल तक पुरानी रॉक पेंटिंग्स भी देखने मिलती हैं, जो यहाँ का एक लंबा इतिहास आज भी अपने अंदर समाये बैठी हैं। फिर बड़ा महादेव के दर्शन और चौरागढ़ की चढ़ाई के बाद की थकान शाम को धूपगढ़ में ठंडी हवा के बीच सूर्यास्त देखते ही निकल जाती है।
यह सब पचमढ़ी में ही मुमकिन है। और यह बात सतपुड़ा के जंगलों को बहुत खास और भारत के बाकी जंगलों से बहुत अलग बनाती है। काफी कम लोग ही जानते होंगे कि भारत के वन विभाग की शुरुआत सतपुड़ा के जंगलों से ही हुई थी। 1862 के लगभग सतपुड़ा के जंगलों में भारत के पहले वन विभाग का निर्माण हुआ। पचमढ़ी में स्थित यह बाइसन लॉज, जो आज एक म्यूजियम के तौर पे पर्यटकों को सतपुड़ा का इतिहास बताती है, किसी जमाने में वन विभाग का दफ्तर हुआ करती थी। उन गुजरे दिनों में वन विभाग का काम बस जंगल से लकड़ी काटने का होता था और अपने उपयोग के लिए सागौन और बांस के पेड़ ही लगाया करते थे, जो उस वक्त रेल ट्रैक के स्लीपर बनाने के साथ साथ पानी के जहाज बनाने के काम आया करती थी। सतपुड़ा के जंगलों में सैर करते वक्त अगर आपको गिट्टी की रोड मिल जाए तो आश्चर्य मत करिएगा, क्योंकि यही सड़क घने जंगलों को भागड़ा स्टेशन से जोड़ती थी, जहां से कभी सागौन और बांस का निर्यात भी हुआ करता था। और फिर पचमढ़ी से कुछ ही दूर पे स्थित है बोरी अभयारण्य, जहां अंग्रेजों के लगाए पेड़ लगभग 100 साल से भी पुराने माने जाते हैं। इन पेड़ों से निकले रेशे ऐसा आभास दिलाते हैं मानो ये पेड़ जीवित हों और काफी उम्र दराज हो गए। ब्रिटिश सरकार द्वारा 1865 में बोरी को रिजर्व फॉरेस्ट का दर्जा भी मिला था, जो बोरी के जंगलों को भारत का सबसे पहला रिजर्व फॉरेस्ट बनाता है। और आज लगभग 150 साल बाद भी यह अनछुआ जंगल संरक्षित और अनछुआ ही है, और न जाने कितने ही अनदेखे जीवों का घर भी है। बोरी के घने जंगलों में बसा यह फॉरेस्ट हाउस कई दशकों पहले वरिष्ठ अधिकारी श्री कुलकर्णी का घर हुआ करता था। श्री कुलकर्णी ने यहां रहकर बोरी के जंगलों का वर्किंग प्लान तैयार किया। उन्होंने अपना आधा जीवन इन जंगलों और यहां रह रहे लोगों के नाम कर दिया। कहते हैं उनके गुजरने के बाद उनकी अस्थियां भी उनकी इच्छा अनुसार यहीं बोरी की जंगली नदियों में बहाई गई थी। यह इच्छा इस जगह के लिए उनका प्रेम ही था, जो आखिरी वक्त तक उनके साथ रहा। और इस फॉरेस्ट हाउस को अब कुलकर्णी हाउस के नाम से भी जाना जाता है। यहां आकर आज भी अतीत में होने का आभास होता है, क्योंकि भारत का पहला फॉरेस्ट कैंप भी यहीं कुलकर्णी हाउस के पास ही बसा हुआ है, जो अंग्रेजों द्वारा सन 1862 के लगभग बनाया गया था। बहुत कुछ देखा और सहा है इन सतपुड़ा के जंगलों ने। जंगलों के बीच बनी ये खदान पास ही बने तवा डैम के निर्माण के वक्त उपयोग में आया करती थी। वक्त बदला और आज ये बंद खदान जंगली जानवरों का घर बन चुकी है। तवा नदी पे बांध बनने की वजह से सतपुड़ा का काफी क्षेत्रफल पानी के अंदर आ जाने से जंगलों को काफी नुकसान भी हुआ। पर जैसे हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, जहां मॉनसून के वक्त सतपुड़ा का काफी क्षेत्रफल पानी के अंदर आ जाता है, जो ठंड के मौसम में दूर देशों से आने वाले पक्षियों को आसरा भी देता है, वहीं गर्मी में उतरते पानी में उभरती जमीन शाकाहारी जीवों के लिए बड़े बड़े घास के मैदान भी लेकर आती है। ऐसे विशाल मैदान शायद ही किसी राष्ट्रीय उद्यान में देखने को मिलते होंगे। कोर क्षेत्र में बसे गांवों की 10,000 से ज्यादा जनसंख्या और लगभग इतनी ही संख्या में मवेशी सतपुड़ा के वन्य प्राणी रहवासों के प्रबंधन की सबसे बड़ी चुनौती थी। जहां घने जंगलों में सालों से बसे गांव में रह रहे लोगों को छोटी से छोटी चीजें मिल पाना भी मुमकिन नहीं हो पाता था, और ना ही प्राथमिक शिक्षा प्राप्त हो पाती थी। समय बदला और समय के साथ लोगों की सोच भी बदली। सन 2000 में सतपुड़ा के जंगलों को टाइगर रिजर्व का दर्जा मिलने के बाद गांव के विस्थापन कार्य को और गति मिली, और फिर कई सालों की मेहनत के बाद लगभग 49 गांवों को जंगल से बाहर बसाया गया, और इसी के साथ न जाने कितने लोगों की जिंदगी बदली।
जंगल के भीतर बसे सभी गांवों को जंगल से बाहर एक अच्छी जगह विस्थापित कर दिया गया, जिससे लगभग 10,000 हेक्टेयर से भी ज्यादा मैदानी इलाका इन जंगलों को मिला, जिससे बड़े बड़े घास के मैदानों का निर्माण हुआ। जंगल के बाहर बसे इन गांवों के बच्चे और नौजवान आज अच्छी शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं और अच्छा व्यवसाय कर अपनी आने वाली पीढ़ी का भविष्य भी सुरक्षित कर रहे हैं। और इन बाहर बसे गांवों की एक खास बात यह भी है कि इनका नाम आज भी उनके पुराने गांवों के नाम पर ही रखा गया है। इंसानी बस्ती से न जाने कितने ही दूर बीच घने जंगल में बसे ये गांव आज विस्थापित तो हो गए हैं, पर पीछे छोड़ गए हैं बस अपनी यादें, जो हमें आज भी बीते कल की याद दिलाती है। जंगलों से गांव के विस्थापन के साथ ही साथ काम शुरू हुआ सतपुड़ा को उसकी पहचान देने का, और फिर सन 2000 में सतपुड़ा के जंगलों को टाइगर रिजर्व का दर्जा भी प्राप्त हुआ। बोरी के जंगल और कुछ ही दूरी पर स्थित चूर्णा के मैदानी इलाके, तवा बैक वाटर पे बसा मढ़ई का जंगल और पचमढ़ी का पहाड़ी इलाका मिलकर निर्माण करता है सतपुड़ा के अद्भुत जंगलों का, जो शायद ही भारत के किसी और जंगल में देखने मिलता होगा। और यही कारण है जो सतपुड़ा को मध्य भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व बनाता है। सतपुड़ा में अगर चूर्णा के जंगलों की बात करें तो यह जंगल सतपुड़ा के बाकी इलाकों से बिल्कुल अलग है। घने जंगल होने के साथ साथ गर्मियों में बांध का पानी उतरते ही बड़े बड़े मैदानी इलाके भी बन जाते हैं, जो शाकाहारी जीवों को बेहद पसंद आते हैं। वहीं यह भी तो सत्य है कि जहां शिकार वहीं शिकारी। तभी इन जीवों के लालच में बाघ भी यहां अक्सर चले आते हैं, और इसीलिए ही सतपुड़ा में ज्यादातर बाघों की संख्या भी चूर्णा के क्षेत्रों में ही देखने मिलती है। और अगर यहां आपका सामना बाघ से हुआ तो आप उसको देखते देखते जरूर थक जाएंगे, पर बाघ अपना दीदार देते देते नहीं थकेगा। और हो भी क्यों ना, 50 से अधिक बाघ जो हैं सतपुड़ा के जंगलों में। यह सब मुमकिन हो पाता है दिन रात जंगलों की निगरानी से। पर सतपुड़ा में 24 घंटे जंगलों के साथ साथ बाघों पर नजर रखना भी हमेशा से वन विभाग की एक बड़ी चुनौती रही है। कारण है यहां का पहाड़ी क्षेत्र, तवा बैक वाटर, और इतने बड़े क्षेत्रफल को संभालना भी आसान काम नहीं है, जहां हर मोड़ पे रोज एक नई चुनौती वन रक्षकों का इंतजार करती है। तवा बैक वाटर पे दिन रात नौका से वन कर्मी नजर रखते हैं, मैदानी इलाकों में गाड़ी से गश्ती, और जहां गाड़ी जाना मुश्किल होता है वहीं ये हाथी वन रक्षकों का पूरा साथ तो देते ही हैं, साथ ही साथ पैदल गश्ती इस काम को और भी खतरनाक बना देती है। पर यह वन कर्मियों का साहस ही है जो इन बेजुबान जीवों के लिए दिन रात एक कर देते हैं। गश्ती के दौरान खतरा बस बाघों से सामने का नहीं होता, ये पहाड़ी क्षेत्र बाघों के लिए अनुकूल आवास तो बनाते ही है, पर साथ ही साथ तेंदुए और भालू जैसे खतरनाक जानवरों को भी काफी रास आते हैं। मढ़ई और चूर्णा के जंगलों में बाघों के साथ साथ तेंदुए और भालू जैसे जीव भी आसानी से देखने मिल जाते हैं। पर इन सब में एक ऐसा जीव भी है जो कई सालों पहले यहां से विलुप्त हो गया था, पर आज वन विभाग की मेहनत से सतपुड़ा के जंगलों में आजादी से अपना जीवन व्यतीत कर रहा है, बारहसिंगा। एक दशक से भी कम समय में कान्हा के बारहसिंगा समूहों ने अपने नए घर को पूरी तरह से अपना लिया है। अपनी विलुप्ति के लगभग 100 साल बाद सतपुड़ा के इन जंगलों में फिर से 100 से अधिक बारहसिंगा
मुक्त रूप से विचरण करते देखे जा सकते हैं। और कुछ बारहसिंगा बोरी के जंगलों से लगभग 50 किलोमीटर दूर चूर्णा के मैदानी क्षेत्रों में भी देखने मिल जाते हैं। सतपुड़ा के जंगलों में एक जीव ऐसा भी है जो शायद ही मध्य भारत के किसी और क्षेत्र में देखने मिलेगा, इंडियन जायंट स्क्विरल, जिसको यहाँ के लोग प्यार से नन्नी के नाम से बुलाते हैं। सतपुड़ा टाइगर रिजर्व का मैस्कॉट भी है। आप चाहे पचमढ़ी में हो या चूर्णा के मैदानी इलाकों या मढ़ई के पहाड़ी जंगलों में, आपको ये नन्नी कहीं ना कहीं खेलते दिख ही जाएगी। पहाड़ी क्षेत्र होने की वजह से यहाँ इंडियन गौर भी काफी भारी मात्रा में देखने को मिल जाते हैं। चूर्णा से कुछ किलोमीटर दूर ही है मढ़ई, जो ठीक तवा बैकवाटर से सटा हुआ है। यहाँ की सफारी के लिए आपको नदी पार करके आना पड़ता है और यहीं से असली रोमांच शुरू होता है। मढ़ई के घने जंगलों के बीच बना यह किला कभी यहां पे राज करने वाले गोंड राजा भभूत सिंह का हुआ करता था। कहा जाता है उनकी मौत अंग्रेज सैनिकों से लड़ाई के दौरान हुई थी, जो यहां उनके क्षेत्र में अपना वर्चस्व स्थापित करना चाहते थे। उसी तरह जंगल के बीचों बीच बना यह झिंझनी महल हमें सोचने पे मजबूर कर देता है कि आखिर किस तरह इस महल का निर्माण उस वक्त इस घने जंगल में किया गया होगा। आज भी इस बात का कोई पुख्ता सबूत नहीं है कि इस महल का निर्माण कब और किसके द्वारा करवाया गया था, जो इस महल को और भी रहस्यमयी बना देता है। न जाने ऐसी कितनी ही जगहें हैं इन जंगलों में जिसके इतिहास की खोज आज भी जारी है। सतपुड़ा में सालाना सैलानियों की गिनती भी कुछ कम नहीं है। जंगलों में सफारी का आनंद तो आपने कई राष्ट्रीय उद्यानों में लिया होगा, पर सफारी के साथ साथ बोट सफारी, कायाक, पैदल सफारी करने का अनुभव अलग ही है, जो आपको सतपुड़ा में ही महसूस हो सकेगा। दिन में वन्य जीवों का मजा तो है ही, पर रात में सतपुड़ा के बफर जंगलों में बाघ, भालू या तेंदुए का दीदार हो जाए तो आपकी सांसें थमना भी मुमकिन है। सोचें, दिन भर की थका देने वाली जंगल सफारी के बाद रात में खुले आसमान में तारों के नीचे बॉनफायर में कैंपिंग का रोमांच लेना, क्या कुछ मुमकिन नहीं यहां जो आपके बफर में सफर को और भी यादगार बना देगा। हाल ही में सतपुड़ा के जंगलों को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी सम्मिलित किया गया है, जिससे गर्व से सीना चौड़ा हो जाता है। आज चाहे बात यहाँ के ग्रामीणों को नई जिंदगी देने की हो या इन जंगलों को सुरक्षित रखने की, चाहे बारहसिंगा को पुनः बसाने की हो या यहाँ बाघों की लगातार बढ़ती संख्या की, सतपुड़ा की सफलता की कहानी खुद ब खुद बयां होती है। बलिदान कहने में भले ही आसान सा शब्द लगता हो, कर पाने का जज्बा अटूट साहस और हिम्मत मांगता है। इन जंगलों और यहां बसने वाले जीवों के लिए अपनी जमीन देना भी एक ऐसा ही बड़ा बलिदान था जो इन ग्रामीणों ने किया। इन जंगलों की रक्षा में दिन रात तैनात हमारे वन रक्षक और वरिष्ठ अधिकारी, जिन्होंने कंधे से कंधा मिला के न जाने कितने ही ऐसे बलिदान दिए, जिसने आज सतपुड़ा को वो रूप दिया जिसे आज हम देख और निहार पा रहे हैं। नमन है उन लोगों को जो आज भी पूरी निष्ठा और कर्मठता से इन जंगलों की सुरक्षा के लिए दिन रात तत्पर हैं।